हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स ड्राइंग रेखाखंड के समान भाग करना। समान भाग कैसे करते हैं? प्रश्न नंबर 25। अब रेखाखंड को 6 समान भागों में हमें बांटना है। तो एक रेखाखंड यहाँ हमने खींचा हुआ है। अब इसको 6 समान भागों में हम कैसे बांटेंगे, इसके लिए हमें ए बिंदु से और ब बिंदु से, ए बिंदु से ऊपर की ओर और ब बिंदु से नीचे की ओर हमें 30-30 अंश का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोण मापक की मदद से, आपने अभी सीखा है पिछली वीडियो में। तो 30 अंश यानी समान न्यून कोण बनाने के लिए हमें 30 अंश का कोण की रचना करनी होगी। तो इस प्रकार से ये आप इससे इस बिंदु को मिलाएंगे और इसको आगे तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार ब बिंदु से नीचे की ओर हम बनाएंगे। इसको ऐसे करेंगे, हम ऐसे रखेंगे, आप देखिए इस प्रकार से। फिर 10, 20, 30 इस बिंदु को मिला के, ब बिंदु से इस बिंदु को मिला के हम एक किरण इधर भी हम खींचेंगे। इस प्रकार से इसका नाम हम, इस किरण का नाम ल और इस किरण का नाम मैं रख दिया, व मैं और एल। अब हमें प्रकार की मदद से जो दो किरण है एल और व मैं, इनके समान 6 भाग करने हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रकार को इतना खोलेंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, ताकि हम इसमें 6 समान भाग कर सकें। हम ए बिंदु से करेंगे। ए बिंदु से ये पहला चाप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इनके नाम हम रखते हैं य, र, ल यहाँ आ चुका है तो हम लिख देंगे यहाँ व, मैं, न, द, इस प्रकार से नाम रखेंगे। और हम उसी समान त्रिज्या के जो हमने यहाँ ऊपर चाप लगाए, 6 समान भाग हमने 6 समान भाग करने हैं, तो इसी प्रकार इस जो बैमय किरण है इसमें भी हमें करना है। इसका नाम बैमय की जगह बै पै रख रहे हैं हम, पै, क्योंकि मैं जो है ये ऊपर यहाँ हमने लिखा हुआ है। अब हम इस बैपर रेखाखंड बैपर किरण पर भी समान दूरी के 6 चाप लगाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इनके नाम क्रम से है, यहाँ हमने य, र, ल, म, न, द रखे हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा य वन, फिर र वन, व वन, म वन, न वन और द वन। इस प्रकार से हम इनके नाम रखेंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला है द वन, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। अब इसके बाद ये य है, इस य को मिलाएंगे हम न वन से। इस प्रकार इस मैं को हम मिलाएंगे र से, व को मिलाएंगे हम इस व से, र को मिलाएंगे हम मैं से और य को मिलाएंगे हम न से और ब को मिलाएंगे हम द से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब रेखाखंड के 6 समान भाग हैं। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इनके नाम हम यहाँ रखते हैं, वो नाम लिखते हैं जो हमने पहले
इनमें कहीं भी नहीं लिखे हैं, हमने लिख दिया क, ये लिख दिया हमने ख, ये ग, ये घ, ये च। समांतर जो रेखाएं खींची हैं वो ऐबे रेखाखंड को क्रमशः क, ख, ग, घ, च बिंदु पर काट रहे हैं। तो इस प्रकार ऐबे रेखाखंड के जो छह समान भाग हैं वो भाग हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला भाग है एक बराबर, दूसरा है क, ख बराबर, ख, ग बराबर, ग, घ बराबर, घ, च बराबर, च, ब। छह समान भाग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो आपने आज सीखा कि दिए हुए रेखाखंड को छह समान भागों में किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।